मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन लेके, और ये सभी पर्सन एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही रोजाना राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब किया गया, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। तो 2009 में इसका आरंभ किया गया था, 11 जनवरी 2009, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम पर्यटन पुलिस का प्रारंभ कब और कहां पे किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न 2-3 बार बन चुका है, आप लोग याद कर लेना, आगे भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सबसे पहले पर्यटन पुलिस का प्रारंभ जो कि कब और कहां से किया गया, जयपुर में किया गया था और किस सन में किया गया, 2000 के अंदर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं, पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराते हैं तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हैं तो राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना कौन सी है, यानी आप दूर गए हैं तो भी आपको घर की अनुभूति कराते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा एक योजना चलाई गई थी, उस योजना का आपको नाम बताना है, जिसे पेइंग गेस्ट योजना कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, निम्न में से किसको राजस्थान के गांवों में भूमि के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा और वीडियो के अंदर में ईमानदारी से बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ऐसे आपकी प्रैक्टिस ही हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर जरूर कॉमेंट में दीजिएगा। तो गाँवों के अंदर भूमि के रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी की पूजा की जाती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करते हैं, गोरा बादल या फिर नवलखा बुर्ज या फिर विमल कुंड राजस्थान में स्थित है, कहाँ पे है, किस दुर्ग के अंदर गोरा बादल और नवलखा बुर्ज और विमल कुंड जो कि बने हुए हैं? तो ये सही उत्तर रहेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, बाबा रामदेव ने ओरण नामक स्थान पे एक रतन कटोरा और एक सहुन चुटिया किसको दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव जी ने ओरण नामक स्थान पे एक रतन कटोरा और एक सोहन चुटिया दिया था, किसको दिया था? हड़भुजी को दिया था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं, ऊँटों के रोग निदान के लिए किसकी फड़ भोपों द्वारा गाई जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी एग्जाम में बन चुका है कि ऊँटों के रोग निदान के लिए, रोग निवारण के लिए किसकी फड़ भोपों द्वारा गाई जाती है? तो बाबूजी की, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं, रामदेव जी के मंदिरों को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि रामदेव जी के मंदिरों को किस नाम से जाना जाता है, तो उनके मंदिरों को देवरा कहा जाता है, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं, बाबा रामदेव के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइएगा और वीडियो के अंत में आप सभी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग उत्तर जरूर देना। तो मेघवाल जाति के भक्तों को कहा जाता है रिखिया, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर कुंभलमेर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, राजस्थान में खुंगाली आभूषण पहना जाता है, राजस्थान के अंदर खुंगाली आभूषण जो है कहाँ पे पहना जाता है? कान में, दांत, गले या सिर में? जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा। आभूषण के 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं, आप लोग देख लीजिएगा, हमारे हर एक राजस्थान जीके के वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कहीं ना कहीं जो है कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हर एक वीडियो में 1 से 2 प्रश्न कभी भी एग्जाम में बन सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या तो एग्जाम में पूछे गए या फिर आगे पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर खुंगाली आभूषण पहना जाता है गले के अंदर, ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण पहना जाता है। राजस्थान में गोखरू नामक आभूषण जो कि पहना जाता है कलाई के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, राजस्थान में निम्न में से किस आभूषण को टड्डा नाम से जाना जाता है। देखिए ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि किस आभूषण को टड्डा कहा जाता है, तो कड़ा होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, निम्न में से कौन सा आभूषण जो कि राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंधित रखता है। देखिए इनमें से कौन सा आभूषण है जो राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाना चाहते हैं आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। राजस्थान जीके के रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो राजस्थानी परिवेश में दांत से संबंध रखता है, रखन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, राजस्थान का कौन सा जिला प्रस्तर मूर्ति के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला है जिसकी प्रस्तर मूर्ति के लिए पहचान है, वो है जयपुर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, शीशे पे चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध आपको बताना है कि कौन व्यक्ति है जो राजस्थान के अंदर शीशे पे चित्रकारी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो है श्याम शर्मा जी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, एक विशेष जलपात्र जिसे जोधपुर में बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है जिसके अंदर जल ठंडा होता है। देखिए जोधपुर में एक जलपात्र बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जोधपुर का ही नहीं अभी राजस्थान में भी इसको बनाए जा रहे हैं, तो ये किस नाम से जाना जाता है, इसे बादला कहा जाता है जिसके अंदर जल ठंडा रहता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, राजस्थान में लाख के आभूषण खिलौने और कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कहाँ पे होता है। राजस्थान के अंदर लाख के आभूषण खिलौने और कलात्मक वस्तुओं का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है, उदयपुर में, ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, ठूसी, बड़ा मोहरन, मंडली, हालरो आदि आभूषण संबंधित है। जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, ठूसी हो गया, बड़ा मोहरन हो गया, मंडली हो गया, हालरो आदि आभूषण जो है किससे संबंधित है, कान, गला, हाथ, पैर, जल्दी से आप लोग आंसर बताइएगा, तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, गुरुडे ग्रामीण पुरुषों के किस आभूषण है। गुरुडे जो है ग्रामीण पुरुषों में किस अंग का आभूषण है आपको बताना है, तो गुरुडे जो कि कान से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, चूड़ीदार पजामे के स्थान पे पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है। देखिए चूड़ीदार पजामे के स्थान पे पहने जाने वाले वस्त्र को कहा जाता है ब्रीचेस, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, राजस्थान में लहरिया और पोमचा संबंधित है, सॉरी राजस्थान में लहरिया और पोमचा जो है प्रसिद्ध है, किस जगह का, किस जिले का लहरिया और पोमचा बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि जयपुर का है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा, जयपुर का लहरिया और पोमचा बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, गंगा जमुनी से तात्पर्य आपको बताना है, गंगा जमुनी से तात्पर्य क्या है, रेशमी धागे से की गई कढ़ाई, या फिर रेशमी या सूती धागों पे सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से कढ़ाई की जाए तो, या फिर सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, या ऐसी कढ़ाई जिसमें उभार होता है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई को गंगा जमुनी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, राजस्थान के कौन से जिलों की पीतल पे मीनाकारी बहुत ज़्यादा फेमस है। राजस्थान के किस ज़िले की जो है पीतल पे मीनाकारी फेमस है, एक तो अलवर की है और दूसरी जयपुर की है, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, जयपुर और अलवर। अभी हम बात करेंगे आज के वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताना, देखते हैं कितने बच्चे सही उत्तर दे पाते हैं। अगर आपको आंसर मालूम नहीं, आप लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस ज़िले के अंदर है। पूरे विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर जो कि राजस्थान के किस ज़िले में, उदयपुर, झुंझुनू, पाली, झालावाड़, इसका सही उत्तर आपको बताना है। और ये भी बताना कि 25 में से आपके कितने सही हुए, ईमानदारी से कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट और राय या सुझाव देना आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है लाइक कर देना, और लगातार राजस्थान जीके के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वीडियो पाना चाहते हैं आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।